नमस्कार, आप देख रहे हैं नभा टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं संदीप। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वैशाली में छठे चरण का मतदान है और साहेबगंज विधायक राजू सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक परिवाद दायर हो गया है। आरोप ये है कि साहेबगंज विधायक राजू सिंह रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को पैसे बांट रहे हैं। पूरे मामले को लेकर राजू सिंह का क्या कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं। कि रियल पूछा जाए तो मेरी आदत है, मेरी आदतों में शुमार है कि मैं गरीबों को ऐसे नहीं देखता हूं। लेकिन कल की जो बात है, कल आप देख रहे थे चिलचिलाती धूप थी, हमारे नेता आए थे और नेता को जब रथ पे सवार हुए तो वहां पे पानी नहीं था, तो मैंने वहीं पे देखा कि एक तो हमको माइक से मैं अनाउंसमेंट भी कर रहा था, जो लोग नहीं दिखा रहे हैं कि भाई कौन सा स्टेट है, कोई आदमी यहाँ पर आवे कैसे, रूट चार्ट है मैं उनको दूँ, और मैं एक पुर्जी और उसमें से कुछ पैसा 200-500 रुपया रहा होगा मैं किसी एक कार्यकर्ता को दिया कि ला करके पानी रख दो। कार्यकर्ता यहाँ पे केशव चौक हम लोग पहुँचे तो पानी ला कर रखा भी गाड़ी में, उसका भी वीडियो लोगों को दिखाना चाहिए। वो पानी के लिए मैंने पैसा दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के समय में इस तरह का बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी आदतों में शुमार है कि मैं हमेशा गरीबों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जांच करा लीजिए, सांच को आज क्या भाई, इस तरह की कहीं से कोई बात नहीं। और पैसा बांटेगा इस तरह से, जहां 200,000 लोग रहेंगे वहां तो पुलिसकर्मी भी बहुत सारे थे, पुलिसकर्मी भी देखे होंगे कि हमने पैसा किसको दिया है। पैसा तो मैंने दिया है, लेकिन उसको उसके लिए फ्रॉड ढंग से दिखाया है। तो जैसा कि हमने सुना कि राजू सिंह क्या कुछ बता रहे हैं, उनका कहना है कि पानी और रोड चार्ट के लिए उन्होंने कागज और पैसे दिए थे कार्यकर्ता को, पर पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जो जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन है, उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राजू सिंह पर परिवाद दायर किया गया है, FIR साहिबगंज थाने में दर्ज करा दी गई है। मुजफ्फरपुर से नभा टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।